अगर हम बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं, तब हम वजनों के हिसाब से सब्जियां लेते हैं, जैसे 1 किलो प्याज, 2 किलो आलू या 1 किलो टमाटर, 4 किलो लहसुन इत्यादि। जब हमसे कोई पूरे सब्जियों का वजन पूछता है, तब हम सारी सब्जियों के वजन को मिलाकर जो वजन है वो बताते हैं। जैसे इस उदाहरण में सारी सब्जियों का मिलाकर कुल वजन 8 किलो है। उसी प्रकार किसी भी वस्तु का अणु द्रव्यमान उस वस्तु के एक अणु में जितने भी परमाणु होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को मिलाकर प्राप्त होता है। अणु वस्तुमान के समान अणु द्रव्यमान भी डाल्टन इस इकाई में दर्शाया जाता है। NaCl का अणु द्रव्यमान क्या है? Na का अणु वस्तुमान 23 है, Cl का अणु वस्तुमान 35.5। अतः NaCl का अणु द्रव्यमान 23 अधिक 35.5 मिलाकर 58.5 डाल्टन है। 2. H2SO4 का अणु द्रव्यमान क्या है? हाइड्रोजन का अणु वस्तुमान 1 और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। सल्फर का अणु वस्तुमान 32 और उसका 1 अणु है। उसी तरह ऑक्सीजन का अणु वस्तुमान 16 और 4 अणु है। H2SO4 का अणु वस्तुमान इज इक्वल टू हाइड्रोजन का अणु वस्तुमान गुणा हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या अधिक सल्फर का अणु वस्तुमान गुणा सल्फर के अणुओं की संख्या अधिक ऑक्सीजन का अणु वस्तुमान गुणा ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या बराबर 2 अधिक 32 अधिक 64 बराबर 98 डाल्टन।